Now we are going to start chapter 29 entertainment. Entertainment का मतलब है बच्चों मनोरंजन. So any action, event or performance, कोई भी action होता है या कोई performance होती है, so दूसरों को entertain करने के लिए उसे entertainment कहा जा सकता है. So इन questions का हमें answer देना है और learn करना है तरह तरह की इंडियन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बारे में सीखना है हमें ये. तो क्वेश्चन नंबर वन है, इन विच ईयर डिड रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट इन इंडिया. भारत में रेडियो का ब्रॉडकास्ट कौन से साल में हुआ था. एंड द आंसर इज 1923 में भारत में रेडियो का ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हुआ था. In which year did color television start in India? भारत में color television कब start हुआ था, कौन से year में? 1982 में. What was All India Radio officially known as? All India Radio को officially किस नाम से जाना जाता है, और उसका answer है आकाशवाणी. So, in which country has the maximum number of films have been produced? किस country में सबसे ज़्यादा numbers की film, सबसे ज़्यादा मात्रा में films produce होती हैं? तो वो है हमारी country India. तो आगे चलते हैं. In which year was the first silent film Raja Harishchandra made in India? भारत में मूक फिल्म, साइलेंट फिल्म जिसमें कोई वॉइस नहीं होती, कोई साउंड नहीं होती, वो थी राजा हरिश्चंद्र. वो कौन से साल में आई थी, ये फर्स्ट साइलेंट फिल्म थी. एंड इट वाज रिलीज्ड इन 1913 में. थ्रू विच फिल्म डिड साउंड कम इनटू इंडियन फिल्म्स. इंडियन फिल्म में किस पिक्चर के थ्रू, किस मूवी के थ्रू साउंड आया था, और उस मूवी का नाम था आलम आरा. ठीक है बच्चों. सो क्वेश्चन नंबर सेवन है, नेम द फर्स्ट 3D एनिमेटेड फिल्म फ्रॉम इंडिया. इंडिया से जो सबसे पहले 3D एनिमेटेड फिल्म आई थी उसका क्या नाम था. उसका नाम था रोड साइड रोमियो. क्वेश्चन नंबर एट इज, ऑफ विच टू वर्ड इज मूवी अ शॉर्ट फॉर्म. किन दो वर्ड से एक शॉर्ट फॉर्म मूवी बनी है, तो वो दो वर्ड्स हैं मूविंग पिक्चर. ओके. क्वेश्चन नंबर नाइन है, व्हेन वाज द 90-मिनट डेली नेशनल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड. 90-मिनट का डेली नेशनल प्रोग्राम कब इंट्रोड्यूस किया गया था. August 15, 1984 में. वेयर इज फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट लोकेटेड. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है, वो है पुणे में. ओके. तो बच्चों यहाँ कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है, इसे देखते हैं. द रेसलर्स, ये एक मूवी थी इन 1899 में. ये सबसे पहली मोशन पिक्चर शॉट थी इंडिया में. However, the first wholly Indian produced film, एक पूरी मूवी, एक पूरी पिक्चर थी राजा हरिश्चंद्र, जो कि रिलीज हुई थी 1913 में. ओके. तो बच्चों आपको मिली इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट के बारे में. तो कैसी लगी ये सारी इंफॉर्मेशन. ओके. सो प्लीज़ इसे लर्न कर लीजिए, और इसी के साथ हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं. थैंक यू.